तुम्हारे साथ धक्का क्यों मार रहे हैं? कर रहा हूँ ना, थोड़ा नर्वस हूँ, पहला प्रोग्राम है ना। चालू हो गया। वैसे आप ये सोच रहे होंगे कि आपने कम वक्त स्मार्टफोन क्यों ले लिया, वीडियोस देखते देखते आपका सारा डेटा तो खत्म होता ही है और साथ साथ टाइम भी बर्बाद हो रहा है और बैटरी लो हो जाती है। लेकिन आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपका सारा डेटा और टाइम को वसूल कराने के लिए लेकर आया हूँ। और आज हम इंटरव्यू लेंगे, अरे आई मीन नकली इंटरव्यू लेंगे, द मफलर मैन जिन्होंने उड़ा दिया मोदी जी के चेयर। जी हाँ, हमारे राष्ट्रीय झाड़ू वाले भाई साहब, समझ तो गए ही होंगे आप। तो सर नमस्कार, आपका स्वागत है, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हम गधे। अरे 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 सर, ये नहीं, ये तो आप जज्बाती होकर बोल देते हैं, विनम्रता से इंट्रोडक्शन दीजिए ना। सब लोगों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो केजरीवाल सर, आपका स्वागत है किट पिट विद चुलबुल में, मेरे यानी चुलबुल के साथ। तो हमारे व्यूअर्स और आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आप एमसीडी का चुनाव क्यों नहीं जीते थे? हमारे पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं है। तो सर, पैसे का चुनाव से क्या लेना देना है? वैसे पैसा तो हमारे पास भी नहीं है और हमारे यूट्यूब चैनल पर मोनेटाइजेशन भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हम अपना YouTube चैनल बंद कर दें? तो सर ये बताइए कि ये पैसे का हार जीत से क्या लेना देना है? कोई काम आप बता दो MCD में जो बिना पैसे के होता हो। मतलब क्या है इसका? आप ये कह रहे हैं कि पैसे नहीं है तो चुनाव नहीं जीते? तो ऐसे तो सर आप 3 साल पहले दिल्ली के भी चुनाव जीते थे, तो मतलब पैसे नहीं, मतलब पैसे से नहीं। नहीं सर, दिल्ली की जनता को आपके ऊपर पूरा भरोसा है, लाखों वॉलंटियर की मेहनत की वजह से ही आप चुनाव जीते थे, है कि नहीं? कई लोगों को ये गलतफहमी है। गलतफहमी। अच्छा चलिए छोड़िए, अगर आप खुद ही कह रहे हैं तो। वैसे नाइस कलर, अच्छा लग रहा है आप पर, थोड़ा मैला दिख रहा है, कब से नहीं धोया आपने इसको? पिछले 20 साल से। 20 साल से? फिर तो अक्सर लोग आपसे कहते होंगे क्या इतने गंदे लोग। तो गंदे से याद आया, आपने हमें इंटरव्यू में एक गाना सुनाने का वादा किया था, याद है ना सर? तो सर सुना दीजिए ना, प्लीज सर सुना दीजिए। आज चल के तुझे मैं ले के चलूं एक ऐसे गगन के तले। क्या गाना गाया सर आपने? सर इतना अच्छे गाने के बाद एक डायलॉग, प्लीज सर एक डायलॉग। हम गधे। अरे सर ये नहीं सर, चलिए छोड़िए सर, मोदी जी की जयकारा तो लगा ही दो सर। मोदी। तो आपके हिसाब से मोदी जी झूठे हैं और हमारे तो? अरे तुम्हारे तो कर्म फूटे हैं। अरे सर आप मेरे कर्म क्यों फोड़ रहे हैं? ये सब तो हो ही रहा है दिल्ली में, और ये सब देखकर आपको नहीं लगता है, मतलब नहीं लगता आपको कि शर्म आती है दिल्ली को देश की राजधानी कहते हुए? बिल्कुल आनी चाहिए सर, क्योंकि कंफ्यूजन ही है, ये सरकार का क्या काम है क्या काम नहीं है, पब्लिक को ये क्लियर ही नहीं है। जैसे आप बताइए, थिएटर में फिल्म देखना किसका काम है? ये दिल्ली सरकार का काम है, केजरीवाल जी का काम है। अच्छा अच्छा ठीक है, और अगर सड़कों पर गड्ढे हों और कूड़ा पड़ा हो तो उसे हटाना? ये दिल्ली सरकार का काम नहीं है। मैं जानता हूँ, ये MCD का काम है मिलजुल कर। खैर मोदी जी आपकी बात नहीं मान रहे हैं, तो दिल्ली का काम छोड़ के धरने पर बैठना ये किसका काम है? ये दिल्ली सरकार का काम है, केजरीवाल जी का काम है। और पुलिस को मोटिवेट करना और LG के साथ मिलकर काम करना, ये दिल्ली सरकार का काम नहीं है। काम नहीं है। तो ये बताओ, जिद्दी बन करना, धरने पर बैठना, मोदी जी की टांग खींचना और EVM पर उंगली उठाना, ये किसका काम है? ये दिल्ली सरकार का काम है, केजरीवाल जी का काम है। यही सब देखकर तो मन से निकलता है, क्या निकलता है? शर्म आती है दिल्ली को देश की राजधानी कहते हुए। और क्या, तो मैं ये कह रहा था, जैसे पिछले इलेक्शन में आपने फ्री बिजली, वाईफाई और पानी देने का वादा किया था, तो अगले इलेक्शन में मुफ्त में क्या देने का वादा करते हैं? 5-5 गाड़ियां, बड़ी बड़ी मर्सिडीज, ऑडी। क्या बात है, तो गाड़ी मिलने वाली है, खुश हो जाइए, गाड़ी मिलने वाली है। हाँ तो मैं ये कह रहा था, आप ये बताइए कि
ये गाड़ी हमें आप मोदी जी से कैसे दिलाएंगे? लड़ लड़के। अच्छा, तो इलेक्शन आप कैसे जीतेंगे? लड़ लड़के। तो आपकी इसी आदत के कारण लोग आपको कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते केजरीवाल लड़ता बहुत है। हाँ, तो इसी लड़ाई को हमें क्या करना है? इसको बंद करना है। बंद करना है, वरना आगे भी लोग यही कहते रहेंगे। क्या कहते रहेंगे? शर्म आती है दिल्ली को देश की राजधानी कहते हुए। बस हमें इसी शर्म को मिटाना है और दिल्ली को देश की शान बनाना है। जय हिंद सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। जय। वैसे इस वीडियो में इतना ही और मेरा समय हो गया जाने का इस फूटे कर्म के साथ। और आप अपना फीडबैक या रिव्यू दे सकते हैं कमेंट करके। तो बाय बाय दोस्तों, सी यू अगेन। बंद कर दिया ये, मेरा भी ले लो ना। चालू है अबे भाई, सोखा टाइम खत्म हो गया। चल।